तो गाइज लास्ट वीक सैमसंग ने दो काफी जबरदस्त स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं और इनमें से गैलेक्सी A52 तो 2021 में हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन हो सकता है। लेकिन यहां पर डिसअपॉइंटिंग बात यह रही कि सैमसंग ने गैलेक्सी A52 5G को इंडिया में लॉन्च नहीं किया। अभी सैमसंग ने गैलेक्सी A52 5G को तो इंडिया में लॉन्च नहीं किया है, लेकिन अभी सैमसंग M सीरीज में एक 5G स्मार्टफोन बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। जी हाँ गाइज, गैलेक्सी M62 5G अभी BIS सर्टिफिकेशन रिसीव कर चुका है। दैट मीन्स अब आने वाले कुछ वीक में यह स्मार्टफोन इंडिया में डेफिनेटली लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, सैमसंग M सीरीज के स्मार्टफोन्स को काफी अग्रेसिव प्राइस के साथ लाता है और यहाँ पर गैलेक्सी M62 तो एक 5G स्मार्टफोन भी होगा, तो इसको काफी सारे लोग पसंद करने वाले हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गैलेक्सी M62 5G के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, साथ ही वीडियो के एंड में बात कर लेंगे इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो इन सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही टेक वीडियोज मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। यह स्मार्टफोन 6.7 इंच की डिस्प्ले के साथ आने वाला है जो कि 1080p रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले होगी। और दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले M सीरीज में गैलेक्सी M12 लॉन्च हुआ था और इसमें हमें 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अभी M सीरीज के आने वाले सभी स्मार्टफोन्स में हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली हैं, तो गैलेक्सी M62 5G में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी। दोस्तों, इसमें सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले वो भी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली देखने को मिलती है, तो इसकी डिस्प्ले को लेकर काफी कमाल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। वहीं पर अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज सामने आई थी कि गैलेक्सी M62 5G A52 5G का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। तो इसमें स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है, जहां इसमें 6GB और 8GB रैम के साथ में 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। वेल गाइज, अभी इसके प्रोसेसर को लेकर काफी सारे रूमर्स सामने आ रहे हैं और हो भी सकता है कि इसमें आपको एक्जिनोस का 9825 प्रोसेसर देखने को मिले जो कि गैलेक्सी F62 में भी देखने को मिलता है। और यह एक्जिनोस मॉडम 5100 के साथ आने पर 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। तो अब देखते हैं कि सैमसंग इसे किस प्रोसेसर के साथ लाता है। ये दोनों ही प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर हैं और इनमें काफी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अब गाइज, इसके कैमराज के बारे में बात करें तो यह सेम कैमरा कॉम्बिनेशन के साथ आने वाला है जो हमें गैलेक्सी A52 में देखने को मिलता है। इसके रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिनमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, इसके साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, तो यह कैमरा वाइज भी एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। अब गाइज, इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो सैमसंग की M सीरीज में बड़ी बैटरीज वाले स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं और यहां पर गैलेक्सी M62 भी 7000mAh की बड़ी बैटरी साथ आने वाला है, तो इसमें 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप इजीली देखने को मिल जाएगा। तो यार, ये काफी कमाल की बात हो जाती है। जहां पर यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 और One UI Core 3.1 के साथ लॉन्च होगा और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो गाइस, यह M सीरीज का एक काफी एक्साइटिंग 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो यह स्मार्टफोन 15 से 20 अप्रैल तक लॉन्च हो सकता है और इसका प्राइस 22 से 24,000 के बीच देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी और डिटेल्स आपको आने वाले वीडियोज में मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे ही टेक वीडियोज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।